हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एक सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है। इसमें प्रॉब्लम है कि ऊपर तो ठंडा करता है, नीचे नहीं करता है। काफ़ी टाइम से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर का कहना है। तो आज इसको रिपेयर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है डबल डोर फ्रिज में कि ऊपर ठंडा करता है, नीचे नहीं करता? दोस्तों, हमने इसके पेंच तो सारे खोल लिए जो सामने वाला कवर था। अब इसको कवर को निकालने की कोशिश करते हैं। हम कवर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर चुका हूँ इसको खोलने की, जो इसके सामने वाला कवर है, पर ये कवर हमारे से खुल नहीं रहा। इस कवर के पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, जो कवर और कूलिंग कोयल आपस में चिपकी हुई है, इसलिए नहीं खुल पा रहा है, इस कारण ही खुल नहीं रहा है। तो बहुत कोशिश कर ली पर ये खुला नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें पानी से इसको जो बर्फ़ है वो गलाएंगे, यानी पिघलाएंगे बर्फ़ को। तो उसमें या तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप नॉर्मल पानी होता है, क्योंकि आजकल तो गर्म ही हो रहा है पानी, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें लगभग काफ़ी टाइम तक पानी डालना पड़ेगा, लगभग 20 मिनट या आधा घंटा आपको इसमें लग जाएंगे पानी डाल के इसको बर्फ़ को गलाने में। तो आप मक्के से या किसी चीज़ से इसमें पानी डालते रहना, बाल्टी एक रख लेना पानी की, एक या दो बाल्टी आपको इसमें डालनी पड़ेगी, तब जाके बर्फ़ गलेगी। और आप इसमें काम और भी कर सकते हो, आपको ये फ्रिज बंद कर देना है, यानी कि अगर आपने सुबह के टाइम आया तो शाम तक ये बर्फ़ गल जाएगी, तो आप शाम को उसको आगे काम कर सकते हो। तो अभी देखो, मैंने इसमें जो पानी था बहुत, दो तीन बाल्टी लगभग पानी की डाली है, तो ये बर्फ़ गल चुका है। और अभी थोड़ा हल्का सा नीचे हो रहेगा, तो उसमें मैंने और पानी डाला है, जिससे कि जो पीछे बर्फ़ है और गल जाए और ये इसका कवर सामने से आराम से निकल जाए। और इसमें जो कनेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि फ़ैन का कनेक्टर है, वो मैंने निकाल दिया। और साइड में एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है, तो थर्मोस्टेट का कनेक्टर ही मैंने निकाल दिया। और अभी इसको कवर को तो निकालते हैं बाहर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, उसमें जो पीछे का जो जहाँ से इसकी हवा जाती है नीचे की साइड, तो वहाँ पर इसमें बर्फ़ जमी हुई है, तो जिस कारण ये नीचे कूलिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि जो रास्ता होता है ऊपर से नीचे एयर जाती है, जिससे नीचे ठंडा होता है जो हमारा फ्रिज होता है, ऊपर फ्रीजर बॉक्स होता है। तो देखो, उसमें बर्फ़ जमी है, ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो कूलिंग कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, अब इसका जो बायोमेटल का कनेक्टर है, तो वो निकाल लेंगे। इसमें बायोमेटल और थर्मल फ्यूज इसमें लगा हुआ है, तो देखो उसको चेक करते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा बायोमेटल है, बायोमेटल भी ऑन नहीं है इसका। और फिर जो उसमें हीटर लगा हुआ है, तो हीटर को भी चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि मीटर को आपको बजर मोड पर कर लेना है, या आप 200 केवी भी कर सकते हो। फ्रिज में जो हीटर लगा हुआ है, उसमें 20 से 30 रीडिंग आनी चाहिए, वो आपको चेक कर लेनी है। मीटर को आपको ओम पे कर लेना है, चेक के पे कर लेना है। तो देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो हमारा हीटर है, तो हीटर पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। देखो, मैंने उसको आपको बजर मोड पे भी करके दिखा दिया और कंटिन्यूटी मोड पे मैंने आपको करके दिखा दिया, तो उसमें कोई, तो हमारा जो हीटर है, तो हीटर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब मैं आपको जो मैं थर्मल फ्यूज लगाया हुआ, तो थर्मल फ्यूज भी चेक कर लेते हैं। देखो, एक तो आपको ग्रे कलर पे लगाना है और एक पिंक कलर है, तो आपको दोनों पे इसमें चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। जो हमारा थर्मल फ्यूज है, तो उस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो उसका मतलब हमारा थर्मल फ्यूज भी खराब है। ये वाला जो लगा हुआ है, तो थर्मल फ्यूज को भी चेंज करेंगे, यानी कि पूरा बायोमेटल इसमें चेंज होगा, थर्मल फ्यूज भी और बायोमेटल भी। तो ये हमारा बायोमेटल लगा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट चेंज कर देंगे इसको। और अब जो थर्मल फ्यूज इसमें हमारे फ्रिज में लगा हुआ है कूलिंग कोयल में, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें थर्मल फ्यूज और बायोमेटल दोनों नए लगेंगे। और इसमें हीटिंग रोड इसकी चेक करेंगे, क्योंकि हीटिंग रोड पर भी इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो जो बर्फ है इसमें, सब ये गला लूँगा मैं, क्योंकि नहीं तो कूलिंग कोयल बाहर नहीं निकलने की है। कूलिंग कोयल के नीचे हमारा हीटर लगा हुआ होता है। बर्फ़ तो हमारी पूरी गल चुकी है, यानी कि पिघल चुकी है। इसमें एक पेंच लगा हुआ है कूलिंग कोयल में, तो इसको पेंच को हम खोल लेते हैं और कूलिंग कोयल को आराम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के फिर इसमें जो हीटर लगा हुआ है, तो हीटर को बाहर निकाल के चेक करेंगे कि इसमें हीटर तो ख़राब नहीं है हमारा, क्योंकि कंटिन्यूटी तो कोई आ नहीं रही है, तो 100% हमारा हीटर ख़राब है, नहीं तो उसमें कंटिन्यूटी आती है। तो इसमें देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नीचे की साइड में पत्ती लगी हुई होती है, पत्ती में हीटर हमारा लगा हुआ होता है। देखो, क्योंकि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ से कैमरा वहाँ तक जा नहीं पा रहा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये इसमें हीटर होता है लगा हुआ, जो डीफ्रोस के काम आता है, जो उसमें बर्फ़ जम जाती है अंदर, तो उसको गलाने के काम आता है, यानी कि पिघल जाती है इससे जब ये ऑन होता है। तो ये 24 घंटे में एक बार वर्क करता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर से जो हमारा हीटर है, तो हीटर के अंदर से जो वायर गर्म होती है इसमें, वो जल चुकी है, जो फिलामेंट लगा हुआ होता है। तो हीटर तो हम साइड में रखते हैं, अब हम नया बायोमेटल और थर्मल फ्यूज और हमारा जो हीटर है वो नया लगाएंगे। तो मैं इसमें से बायोमेटल को निकाल लेता हूँ। इसमें बायोमेटल और थर्मल फ्यूज दोनों इकट्ठा ही आते हैं, तो ये अलग अलग ही मिल जाते हैं, ये मैं इकट्ठा ही लेके आया हूँ। इसमें थोड़ा जैक का फर्क है, इसमें जैक अलग है, इसमें जैक अलग है, तो हमें काट के लगाना पड़ेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो, बजर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे कर लेना है, यानी कि आपको बजर मोड पे कर लेना है आपको मीटर को, जो हमारे पास में मल्टीमीटर है। तो इसमें क्या है कि एक तो पिंक कलर की वायर है और एक रेड वायर है, तो इसमें दोनों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो, हमारा बजर बज रहा है, यानी कि हमारा जो मीटर है, मीटर का बजर हमारा बज रहा है। तो उसका मतलब जो हमारा जो पहले वाला थर्मल फ्यूज था वो ख़राब था, तो ये वाला सही है। देखो, आपको दिख रहा होगा रीडिंग भी, आपको 0.3 रीडिंग भी आपको शो कर रही होगी, तो ये तो सही है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैक का फ़र्क है, तो हम इसमें जैक काटेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसमें लगेगा, कैसे इसके जैक काटने हैं, कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। तो और ये हमारे पास में हीटर है, तो हीटर को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हीटर को आपको क्या करना है कि आपको 200 ओम पे कर लेना है, यानी कि जो हमारा 200 के लिखा हुआ है, यानी कि 200 के पे कर लेना है आपको मीटर को।
तो आपको दिख रहा होगा, देखो उसमें रीडिंग्स हो रही है 24.678 के करीब रीडिंग्स होकर रहा है। इसका मतलब हमारी ये हीटर है हमारा, ये सही है। और मैं आपको जो पुराने वाला था तो पुराने वाले पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो इसमें कोई रीडिंग्स ऑन नहीं होगी कि, यानी कि हमारा ये वाला जो हीटर है ख़राब है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई रीडिंग्स ऑन नहीं हो रही, तो हमारा हीटर ख़राब है। तो इस हीटर को हम साइड में रख देते हैं और अब इसमें हीटर लगा लेते हैं। देखो आपको कहाँ पे लगाना है, इसमें एक नीचे ट्रे बनी हुई होती है तो उसमें बराबर में साइड में पत्ती होती है, पत्ती में ही हमारी। मैं थोड़ी सी कोयल ऊपर को कर लेता हूँ। आपको कोयल को आराम से ऊपर करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना, नहीं तो ऊपर से जो मैं कोपर के पाइप होते हैं वो टूट जाएंगे और आपको फालतू में इसमें जुगाड़बाजी करके करना पड़ेगा काम, और ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा फिर इसमें। तो अब देखो मैं इसमें हीटर लगा रहा हूँ, यानी कि जो हीटर है साइड में इसमें पत्ती लोक बने होते हैं, तो उसमें लोक में हम इसको हीटर को लगाएंगे। आपको उसमें आपको देख लेना है कैसे निकाला है और फिर आपको लगाना है उसी तरीके से। देखो मैंने उसको लगा दिया और ये मैंने फिर हीटर को नीचे करके जिसमें पत्ती लगा हुआ था पत्ती मैंने नीचे करके, अब इसका कूलिंग कोयल लगा लेते हैं जो हमारे पास में कूलिंग कोयल है इसमें फ्रिज में लगी हुई। और इसमें एक पेंच लगेगा ऊपर की साइड में, तो एक पेंच भी लगा देंगे। तो इसमें एक ही पेंच लगा हुआ था यहाँ पर कूलिंग कोयल में, जिससे कि रुक जाता है आराम से, इधर उधर फिर हिलेगा नहीं। तो पेंची मैंने इसका लगा दिया। और दोस्तों हमारे पास में न्यू बाई मेटल है, इसका वाइट वाला जैक काट देंगे, जो सिंगल जैक है इसका छोटे वाला जो जैक है ये वाला काट देंगे। और हमारे जो बड़े जैक में एक छोटे वाला कनेक्टर था वो मैंने काट दिया, और बड़ा वाला जैक भी एक, और दूसरी जिसमें रेड सिंगल वायर थी तो वो वाली भी काट देंगे। और इधर से एक ब्राउन वायर है तो ब्राउन वायर को छील के रेड वाली वायर ब्राउन पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें इसको लगा देंगे और ऊपर से टेपिंग कर देंगे। देखो जैसे मैंने कर दिया, आपको इसी तरीके से लगाना है। अगर आपके पास में ये वाला बायो मेटल आ जाए तो आपको इस तरीके से इसमें लगाना है। तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो कैसे इसकी कनेक्शन करी है मैंने। तो आपको इसी तरीके से काम करना है जैसे मैंने आपको बताया है, यानी कि जो हमारा वाइट वाला कनेक्टर था जिसमें एक छोटे वाला वाइट कनेक्टर ज्वाइंट हो रखा था वाइट वाली वायर, तो वो मैंने काट दी थी। और जो रेड वाले में बड़ा वाला कनेक्टर था वो मैंने काट के ब्राउन वाली वायर पे कनेक्ट कर दिया। तो आपको इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं इसके बाई मेटल के जैसे मैंने आपको बताया। और मैं ऊपर इसको फ्रिज में कनेक्ट कर लेता हूँ, जो उसका एक कनेक्टर था तो एक कनेक्टर तो मैंने इसका लगा दिया। और अभी तक जो हमारा हीटर है, हीटर में भी हमारे बड़े वाले कनेक्टर लगे हुए थे तो इसको भी काट देंगे। तो मैंने दोनों कनेक्टर इसमें से हीटर में से काट दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पुराने वाला हीटर था तो उसी में से कनेक्टर निकालेंगे और दोनों कनेक्टर इसमें जो हमारे नया हीटर है तो इसमें लगा देंगे पुराने वाले में से निकाल के, क्योंकि ये कनेक्टर अलग है वो वाले अलग थे, तो इसमें ये हीटर में ये भी फ़र्क था। तो मैंने इसको ये पहले भी किसी ने हीटर इसमें चेंज कर रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा इसमें टेपिंग किसी ने रखी थी। और इन कनेक्टर को निकाल के जो हमारा नया हीटर है तो उसमें लगा देंगे। आपको ये इस वाली वायर में पहले लगा देना है एक तरफ, किसी भी वायर में कोई भी कनेक्टर किधर भी लग जाए, दोनों एक जैसे होते हैं। तो एक कनेक्टर मैंने एक वायर में कनेक्ट कर दिया और दूसरा कनेक्टर दूसरी वायर में कनेक्ट कर दिया, और इस पर छह टेपिंग कर लेनी है आपको। तो टेपिंग करने के बाद एक वायर पर तो मैंने टेपिंग कर दिया, दूसरी वायर पर भी टेपिंग कर देंगे। तो आपको टेपिंग अच्छे से करनी है जिससे कि करंट वगैरह ना आए। और पीछे इसमें जो एक कनेक्टर है लगा हुआ तो एक कनेक्टर इसमें लगा देंगे, एक मेल एक फीमेल है तो इस तरीके से होते हैं। और एक इधर भी लगा, एक दूसरे वायर इसमें लगा देंगे, यानी कि जो हमारा हीटर है ये बायोमेटल से आ रहा है एक वायर जो हमारा कनेक्टर है, तो ये वाला मैंने लगा दिया। और हमारा जो पुराने वाला थर्मल फ्यूज था तो उसमें प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है, तो एक कवर निकालेंगे पुराने वाले में से और नए वाले में लगाएंगे। तो आपको ऐसे इसमें लगा के, और फिर ये हमारी जो कूलिंग कोयल है तो कूलिंग कोयल में इसमें आपको आराम से लगा लेना है। तो ये इसमें लोग होते हैं तो लोग मैंने इसका लगा दिया, और जहाँ से हमने निकाला था उसी तरीके से हम इसमें लगा देंगे। थर्मल फ्यूज भी हमारा लग चुका है, अब हमारा बायोमेटल बचा है तो बायोमेटल हम लगाते हैं। और बायोमेटल को आपको इसमें टाई में लगा देना है, अगर आपके पास में नई टाई हो तो आप उसको लगा सकते हो, अगर आप इसको काट दोगे तो। अभी आपको किस तरह लगाना है बायोमेटल, देखो जिधर से मेटल साइड है तो कूलिंग कोयल पर जो फिल्टर है उस पर लगाना है, और जो काले वाली प्लास्टिक है आपको ऊपर की साइड रखनी है। और टाई लॉक को आपको अच्छे टाइट कर देनी है जिससे कि फिल्टर पे अच्छे टच हो जाए। और हमारा जो कनेक्टर था ऊपर से इसका लॉक टूटा हुआ है तो मैं इस पर टेप लगा दूंगा, क्योंकि बार बार निकल रहा है तो उस पर टेप लगा के फिर एक जगह रुक जाएगा, निकलेगा नहीं, नहीं तो अगर निकल गया तो फिर ये डिफ्रोस नहीं होगा आपका फ्रिज, और फिर वो प्रॉब्लम रह जाएगी, आपको दोबारा से फिर आना पड़ेगा कस्टमर के यहाँ। और ये देखो ये काम तो पूरा कम्प्लीट हो चुका है गाइस, जितना भी था अंदर का जो फिर हमारी कूलिंग कोयल थी। और अब हम इसके एक तो फैन वाला जैक लगा देंगे, फैन वाला जैक मैंने लगा दिया, और इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ होता है, ये सैमसंग का फ्रिज है तो उसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है, तो आपको थर्मोस्टेट भी लगा देना है। थर्मोस्टेट का जो कनेक्टर है तो वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ का काम तो हमारा कम्प्लीट हो चुका है गाइस। और आपको एक काम और भी करना है, पीछे इसमें टाइमर लगा हुआ होता है, टाइमर को आपको घुमा देना है जैसे वो डिफ्रोस मोड पे जाता है वहाँ पे, तो आपको हल्का सा आगे कर देना है डिफ्रोस मोड से, जिससे कि हमारा फ्रिज चलता रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो किस लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।